नमस्कार दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे 313 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है, यानी कि सेक्शन 313 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है वो एक क्रिमिनल कोड के अंदर कब रिकॉर्ड होती है। देखिए, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि कंप्लेनेंट एविडेंस कंप्लीट हो गए, यानी कि कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन को जो भी विटनेस लाने थे, जो भी एविडेंस लाने थे वो ले आया और कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है वो खत्म हो गई है, तो इसके बाद स्टेज आती है 313 सीआरपीसी। अब 313 सीआरपीसी के अंदर जो स्पेसिफिक जो प्रोविजन है वो भी जानना जरूरी है। सेक्शन 313 का सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन बी ये कहता है, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट सबसेक्शन बी शैल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case। यानी कि prosecution के evidence complete हो गए पर defense evidence lead करने से पहले जो है 313 CRPC की statement जो है वो ली जाती है। अब defense evidence से क्या मतलब है, देखिए section 315 जो है CRPC का वो accused को opportunity देता है कि अगर accused अपनी evidence lead कराना चाहता है, अपने witnesses लाना चाहता है, अपने evidence लाना चाहता है, तो ऐसे केस के अंदर accused ये कर सकता है। पर 315 की statement, 315 की जो defense evidence है उससे पहले 313 की जो statement है CRPC की वो record होगी। तो ये दोस्तों स्टेज है जो कि जानना आपको जरूरी है। धन्यवाद।